आसनसोल नगर निगम प्रशासन ने अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। आसनसोल शहर के अपकार गार्डन स्थित शांति अपार्टमेंट में किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल स्टोर रूम के निर्माण के लिए प्रमोटर ने नगर निगम से प्लान पास नहीं करवाया था, इसलिए आसनसोल नगर निगम के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में अवैध तरीके से बनाए गए स्टोर रूम को हथौड़े से धराशायी कर दिया। आसनसोल नगर निगम प्रशासन ने अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को आसनसोल शहर के अपकार गार्डन स्थित शांति अपार्टमेंट में किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। आसनसोल नगर निगम के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में अवैध तरीके से बनाए गए स्टोर रूम को हथौड़े से धराशायी कर दिया। दरअसल स्टोर रूम के निर्माण के लिए प्रमोटर ने नगर निगम से प्लान पास नहीं करवाया था। इस दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अवैध निर्माण तोड़े जाने पर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के फ्लैट्स में रहने वाले लोगों ने खुशी जताई और इसके लिए आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के प्रति आभार जताया। जाहिर है कि जिस प्रकार से नगर निगम प्रशासन ने अवैध निर्माण को तोड़ा है, उससे पूरे नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नगर निगम द्वारा और भी अवैध निर्माण को तोड़ा जा सकता है। आसनसोल नगर निगम के कानूनी सलाहकार सुदीप्त घटक ने बताया कि उक्त रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर में अवैध रूप से स्टोर रूम का निर्माण किया गया था। फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन ने नगर निगम से इसकी शिकायत की थी। नगर निगम ने इस मामले की जांच शुरू की और हियरिंग की गई, जहां प्रमोटर कोई भी प्लान नहीं दिखा सका, इसलिए गैर कानूनी तरीके से बनाए गए स्टोर रूम को तोड़ दिया गया। शांति अपार्टमेंटे ग्राउंड फ्लोरे एक स्टोर रूम छिलो, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करे छिलो। फ्लैट ओनर एसोसिएशन दीर्घदिन धरे उनारा कमप्लेन करे छिलेन, हमारे इनक्वायरी हुई छिलो, इनक्वायरी ते हियरिंग ए डाका हुई छिलो, प्रमोटर अपना प्लान देखाते पारेनि, सेई जन्ने ए इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के डेमोलिश करा होलो। स्थानीय निवासी डॉक्टर एसएसपी सिंह ने बताया कि एक तो गैर कानूनी तरीके से ग्राउंड फ्लोर में स्टोर रूम बनाने का निर्माण किया गया था और उसके ऊपर से प्रमोटर द्वारा इसे बेचने का प्रयास किया जा रहा था। स्टोर रूम की वजह से फ्लैट में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने नगर निगम के मेयर से गुहार लगाई थी। आखिरकार स्टोर रूम को तोड़े जाने से काफी पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। यहाँ हम लोगों का फ्लैट का इलीगल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के तरफ से तोड़ा जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और ये मेयर साहब का धन्यवाद, इन्होंने बहुत दिन का पुराना हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। ये इसके लिए हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, तो आज वो हुआ और उसी के लिए हम लोग हैं। सब फ्लैट वाले ही हैं यहाँ और कॉरपोरेशन के कुछ पदाधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं। सब होने का कारण क्या था, किसका ये टूटने का कारण है कि ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है और हम लोगों को सुनने में आया कि ये बेचा जा रहा है इल्लीगल, मतलब गैर कानूनी ढंग से, तो टूटने हम लोगों का यही दरखास्त था कि सर इसको हटाया जाए, ये गैर कानूनी निर्माण जो है बस। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। मोहन दि फैमिली स्टोर, बाताशे शिवली फुलेर गंध मानेई मायेर आगमनी, पूजोर केनाकाटा मानेई मोहन। मोहन दि फैमिली स्टोर, आसनसोल रानीगंज। दुर्गा पूजा हो या दीपावली या हो कोई भी उत्सव, कपड़ों की खरीदारी के लिए आपकी पहली पसंद मोहन दी फैमिली स्टोर। एक छत के नीचे फैमिली की संपूर्ण खरीदारी और ब्रांडेड कंपनियों के गारमेंट्स का नाम मोहन दी फैमिली स्टोर, आसनसोल रानीगंज।